दोस्तों यहाँ पे मैं भिंडी को पोंछ रही हूँ। इसका मतलब है आज हम भिंडी से कुछ बनाएंगे, ये तो आप समझ गए होंगे। तो ये भिंडी को जो अगर पोंछ के हम यूज करते हैं ना, मतलब सब्जी बनाते हैं, तो भिंडी बहुत जल्दी बन जाता है। तो हम भी लेट क्यों करें, चलिए ना जल्दी से बनाते हैं, और वो भी बोश माइक्रोवेव में। चलिए फिर लेट नहीं करेंगे। जय जगन्नाथ। अब सबका स्वागत है मेरी चैनल चिली स्पाइस बॉक्स में। दोस्तों भिंडी को पोंछते हुए आप लोग तो ये समझ गए हैं कि आज भिंडी की सब्जी बनेगी। तो आज चलिए बनाते हैं भिंडी और आलू से लहसुनी भिंडी, जो कि बोस माइक्रोवेव में बस 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। तो ये भिंडी को तो मैं धो के पोंछ चुकी हूँ, अभी उसका ऐसे ऊपर और नीचे का पार्ट काट के बीच में चीरा लगा दूंगी, जैसे कि हम हमारी जो भरवा भिंडी बनाते हैं जैसे लगाते हैं वैसे लगा लेंगे, और ऐसे चेक कर लेंगे जिससे कीड़ा है कि नहीं पता चल जाएगा। और अगर ज्यादा लंबा भिंडी है, मैं तो ये मीडियम साइज की भिंडी ली हूँ, अगर ज्यादा लंबा भिंडी है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बीच में से दो हिस्सा भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे भिंडियों का जो ऊपर और नीचे का पार्ट काट के हम इसको बीच में से ऐसे चीरा लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अगर धो के पोंछ के काटें तो काटने के टाइम में भी हाथ लसलसी नहीं होती है। तो भिंडी तो सारा कट गया है, अभी उसके साथ ये दो आलू काटेंगे। तो आलू काट के अगर पानी में ना रखें तो काला पड़ जाता है, इसीलिए एक बर्तन में पानी लेके इसको मैं ऐसे गोल गोल काट रही हूँ। आप चाहें तो लंबाई में भी आप काट सकते हैं। मैं ये आलू स्किन के साथ ले रही हूँ, क्योंकि इस सब्जी में स्किन के साथ ये आलू मतलब बहुत अच्छा लगता है। बताते बताते देखिए सारा आलू मेरा कट गया है। अभी इन आलुओं को अच्छे से इस पानी से धो के मैं पानी बदल के ले आती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर बाहर पानी से निकाल के आलू को रखें तो आलू काला हो जाएगा, इसलिए पानी में ही रहने देते हैं और साइड कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक लहसुन लूंगी, एक पूरा साबुत लहसुन लिया है जिसको मैंने छील के उसका कलियां अलग करके ले लिया है। अभी ओखली में हम ये सारा लहसुन डाल देंगे। इसके साथ मैं यहाँ पे हरी मिर्च ले रही हूँ, मिर्च बहुत तीखा है तो मैं यहाँ पे एक हरी मिर्च ले रही हूँ। आपको अगर ज्यादा तीखा पसंद है आप दो तीन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों इसको अभी हम क्रश कर लेंगे, मैं ओखली में कर रही हूँ। अगर आप मिक्सिंग जार में डाल के क्रश कर सकते हैं तो मिक्सिंग जार में ही कर लीजिए, बिना पानी डाले लेकिन कीजिएगा, जिससे ऐसे ही क्रश होगा। तो देखिए हमारा लहसुन और हरी मिर्च जो है क्रश हो चुका है, उसको अभी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, एक छोटी सी कटोरी में निकाल लेंगे। और निकालने के बाद अब उसमें हम क्या करेंगे, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, मेरे घर में खट्टा पसंद नहीं करते इसलिए मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ। आपको अगर चटपटी पसंद है तो आप एक छोटा चम्मच भी डाल सकते हैं। 3/4 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के इन सारी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसमें और कोई मसाला नहीं होता, बस इतना ही मसाला लगता है ना, बढ़िया सा सब्जी। बस अभी हम क्या करेंगे, इसमें से एक चम्मच बस इसका निकाल लेंगे, ज्यादा नहीं निकालेंगे। क्यों निकाला बाद में बताती हूँ। और अभी ये भिंडी को ऐसे खोल के इसमें जैसे कि एक चुटकी या दो चुटकी हम ये जो लहसुन का जो मिक्सचर लेंगे और इसको ऐसे भर देंगे, मतलब भरवा भिंडी की तरह पूरा ज्यादा स्टफ नहीं करना है, बस एक चुटकी, जैसे कि हमारी भिंडी के अंदर एक जो लहसुन का जो फ्लेवर है ना वो आ जाए और ये मसाले के साथ भिंडी थोड़ी सी चटपटी बन जाए। सारा भिंडी में तो मैंने भर लिया है, अभी इसका मसाला भी खत्म हो गया है। तो अभी चलिए और जो मसाला बचा के रखे थे उसे ऐसे जो माइक्रोवेव सेफ बोल लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, ये जो आलू है इसको पानी से छान के डाल देंगे। डालने के बाद जो मसाला हम निकाल के रखे थे उसको आलू में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आलू में इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे आलू में भी गार्लिक का फ्लेवर आ जाएगा। उसके साथ ये जो भिंडी है इसको भी हम डाल देंगे। बस भिंडी और आलू तो मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऊपर से ऐसे डालेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कच्चा सरसों का तेल क्या टेस्ट आएगा, यकीन मानिए दोस्तों बनाने के बाद आप देखिएगा बिल्कुल भी इसमें से कच्चे सरसों के तेल की स्मेल नहीं आएगी। अब ये आलू और भिंडी को तेल के साथ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और मिक्स करने के बाद चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। अभी हम माइक्रोवेव ऑन करेंगे और माइक्रोवेव ऑन करके हमें ना पहले इसको हम अंदर रख देते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं तो बोश में बना रही हूँ लेकिन आप कोई भी माइक्रोवेव बनाइए, सेम प्रोसीजर में आप बना सकते हैं। इसका फुल पावर 900 वाट होता है, तो 900 वाट पे इसको मैं 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। और 5 मिनट क्या, आधा मतलब जब 2.5 मिनट हो जाएगा एक बार निकाल के हम इसको देख लेंगे। तो अभी देखिए 2 मिनट 40 सेकेंड हो चुका है। चलिए इसको एक बार हम खोल के भिंडी को बाहर निकालते हैं। बर्तन बहुत गर्म है, जैसे कि मैं बोलती हूँ कभी भी उसको आप ऐसे किचन प्लेटफॉर्म पे ऐसे मत रखिए क्योंकि ग्लास बॉल है, टूट सकता है। अभी बस इसको ऊपर नीचे करके एक बार ऐसे मिक्स कर लेंगे। भिंडी और आलू से हल्का सा पानी निकल चुका है, इसको ऐसे मिक्स करके जो बाकी जो 2 मिनट 20 सेकेंड बचे हैं चलिए उतना टाइम फिर से कुक कर लेते हैं। माइक्रोवेव बंद किया और बस बीच में प्रेस करके स्टार्ट कर लिया। अभी ये बाकी टाइम कुक होने के बाद फिर से एक बार चलिए हम जो हमारा भिंडी है किस कंडीशन में है एक बार खोल के देख लेते हैं। बस केयरफुली उसको निकाल के बाहर लाइए और लाने के बाद आप देखिए भिंडी कितना अच्छा हो गया, विश्वास नहीं करेंगे कितना सुंदर लहसुन की खुशबू आ रही है। बस दोस्तों ऐसे देखा जाए तो भिंडी तो तैयार हो गया है, बढ़िया से मसाला भी मतलब मसाले की भी कच्चा फ्लेवर बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो आलू है ना दोस्तों, आलू तैयार नहीं हुआ है, हल्का सा कड़ा है। तो अभी मैं इसको और 5 मिनट के लिए, मैं तो माइक्रोवेव में बोस माइक्रोवेव में 5 मिनट कर रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने माइक्रोवेव में आप लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग 5 मिनट तो सेट करेंगे, लेकिन 2-3 मिनट बाद एक बार निकाल के आप जरूर चेक कीजिए क्योंकि हर माइक्रोवेव अपना टेम्परेचर खुद सेट करता है। तो उसी लिए मैं आपको अगर 5 मिनट बोलूंगी और सब्जी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं तो 5 मिनट बाद निकाल रही हूँ। तो मेरी ये जो लहसुनी भिंडी है मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी 2 या 3 मिनट बाद आप एक बार जरूर निकाल के उसको चेक कीजिए। देखिए हमारी लहसुनी भिंडी पूरी तैयार हो गई है, इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए, चाहे रोटी हो या दाल चावल के साथ साइड डिश में हो, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे अगर कोई और रेसिपी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इसके बाद मैं दूसरा रेसिपी आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊंगी। तो लहसुनी भिंडी आप लोगों के लिए तैयार है, आशा करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।